अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम स्टूडेंट्स को हमारी इस वीडियो में लेटेस्ट वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज हम सीआईटी सीरीज़ की जो है 17th वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वो आप देख लें। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ये वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम जो है वो समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम तमाम अपने स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो सिंबल्स का है। सिंबल्स का मतलब ये है कि मैथमेटिकल जो है सिंबल्स होते हैं वो जो है अगर आप अपने पेज पर शो करना चाहें तो आप जो है वो इंसर्ट आप होम पे क्लिक करेंगे, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद जो है ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिंबल्स का। सिंबल्स के ऑप्शन पर जो है राइट साइड पर जो बटन है उस पर आप क्लिक करें तो मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स जो है आपके पास मैथमेटिकल सिंबल्स जो है आपके सामने शो हो जाते हैं। तो इन पर आप किसी पर भी क्लिक कर दें तो ये आपके पेज पर जो है वो सिंबल शो हो गया। मज़ीद अगर जो है कोई सिंबल शो करना चाह रहे हैं आप तो ये वाले सिंबल पे क्लिक कर दें तो ये मज़ीद एक सिंबल शो हो गया। इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स जो है मोर ऑप्शन में इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी काफ़ी सारे सिंबल्स जो है आपके सामने शो हो गए, ये विंडो पॉपअप हो गई आपके सामने। तो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं तो किसी भी जो है सिंबल को आप जो है क्लिक करें और इंसर्ट कर दें तो ये आपके पेज पर जो है वो सिंबल शो हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो इस वजह से मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है शेप्स का। तो शेप्स का टॉपिक भी बहुत आसान है। तो शेप्स के टॉपिक में जो है इंसर्ट के ऑप्शन में जो है वो शेप्स का ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें तो मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं, इस पर आप कोई भी शेप आप पर आप क्लिक करें और लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और यहाँ पर जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो शेप शो हो जाएगी। अच्छा, ये शेप शो हो जाएगी तो इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आप ये जो है ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है शेप आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद जो है वो एक और शेप कलर जो है वो शो हो जाएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है शेप फिल में जो है आप जाकर अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप कलर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर रेक्टेंगल आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल से स्क्वायर भी बन सकता है और रेक्टेंगल भी बन सकता है, यानी कि मुस्ततील भी बन सकता है और चौकोर भी बन सकता है। ये देखें मैंने स्क्वायर भी बना लिया। मज़ीद अगर कोई आप जो है एरो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये एरो भी बन जाएगा। ये वाला एरो सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला एरो भी बन सकता है। आप जो है वो त्रिकोण सेलेक्ट करेंगे तो ये त्रिकोण भी बन सकता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर जो है एक अहम बात मैं आपको बताऊँ कि टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी जो है कोई बॉक्स बनाएंगे तो उसके अंदर जो है वो कर्सर आ जाएगा। उस कर्सर के अंदर जो है आप टेक्स्ट बॉक्स जो है उस कर्सर उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टेक्स्ट बॉक्स का, इसको भी आपने समझना है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा, शेप्स का ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर आप अपने पेज को, जैसे कि मैं आपको जूम इन करके अगर दिखाऊं तो आपका पेज जो आ रहा है वो लंबाई में आ रहा है, यानी कि ये हॉरिजेंटल में आ रहा है। अगर आप इसको वर्टिकल में करना चाहें
तो वर्टिकल में किस तरीके से कर सकते हैं कि आप, तो वर्टिकल में किस तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकल में अगर आप जो है वो पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर ओरिएंटेशन लिखा हुआ रहा है, ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट का मतलब है लंबाई में आपका पेज शो होगा, और लैंडस्केप का मतलब है कि ये आपका पेज जो है वो चौड़ाई में आ जाएगा, यानी कि ये जो है वर्टिकल में आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना आपके लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लैंडस्केप का मतलब है कि वर्टिकल, और पोर्ट्रेट का मतलब है कि हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मीन्स लंबाई में और वर्टिकल चौड़ाई में। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पेज साइज़। पेज साइज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेज साइज़ में आप जो है लेआउट में ही रहें, लेआउट में ही। मैं दोबारा से लेआउट में आता हूँ, लेआउट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, नॉर्मली हमारा जो पेज साइज़ होना चाहिए वो A4 का होना चाहिए, ठीक है। तो A4 के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा जो पेज साइज़ है, मेरा पेज साइज़ जो है वो A4 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आप जो भी प्रिंट आउट निकालते हैं वो A4 के साइज़ के पेज होते हैं, तो इसलिए आपको जो है अपना पेज साइज़ A4 का ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है पेज साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहें तो ये आपके पास लेटर का एक ऑप्शन है, लेटर साइज़ एक पेज होता है, तो इस पर क्लिक कर दें तो ये पेज आपका जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और मज़ीद आप छोटा या बड़ा करना चाहें, लीगल साइज़ जो है थोड़ा बड़ा होता है तो लीगल साइज़ पे क्लिक कर दें तो लीगल साइज़ का हो जाएगा। तो जो भी साइज़ आप क्लिक करेंगे उस साइज़ का जो है ये पेज आपका हो जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं A4 का साइज़ सिलेक्ट करता हूँ, तो A4 का साइज़ जो है मेरा रहेगा, क्योंकि मुझे जो है वो A4 के साइज़ पर ही प्रिंट आउट अपना निकालना होता है। तो आप लोग भी जो है वो अपना पेज साइज़ जो है वो A4 ही सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्जिन है। मार्जिन का मतलब ये है कि देखें, अगर आप इसके बाद मार्जिन का ऑप्शन है, मार्जिन के ऑप्शन में आप पेज लेआउट में ही आप जो है वो क्लिक करें और मार्जिन के ऑप्शन में जाएं, तो ये नॉर्मल जो है मार्जिन आपके पास शो हो रहा है। मैंने नॉर्मल ही जो है मार्जिन रखा हुआ है, तो जब भी आप जो है वो अपने टेक्स्ट पेज पर कुछ लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो जो है मार्जिन कहलाता है, यानी कि इतने मार्जिन से आपका टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। मैं आपको कुछ लिख कर दिखाता हूँ, यानी कि आप देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो मार्जिन से जो है वो लिखा जा रहा है। अभी रूलर में भी जो है वो शो कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो डार्क हुआ हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो जो है वो वाइट हुआ हुआ है। तो वाइट एरिया में जो है वो आपका जो भी टेक्स्ट है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्जिन को जो है वो नैरो पर लेकर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वहाँ से टेक्स्ट शुरू हो गया। यानी कि प्रिंट आउट में जो है आपका जो प्रिंट का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, यानी कि मार्जिन जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक का वो जो है वो कम शो करेगा। मार्जिन साइज़ मज़ीद जो है आप चेंज करना चाहें तो ये मॉडरेट पे क्लिक कर दें, मॉडरेट हो जाएगा। तो जो भी आप मार्जिन साइज़ लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसके बाद